Dear students, I am again here with the Unit 4 of Soil and Water Conservation Engineering. And I am going to discuss today about the content of uh, Unit 4 and some uh, half of the unit I will cover in this video, and half of the unit will be covered in another video. So, uh, let's let get started so the content of unit 4 is first topic is water losses, which is infiltration. second is seepage and evaporation losses. third is pollution, contamination of water quality due to agricultural practice, fertilizer and pesticides. it is related to all the agricultural practices. self-purification of surface water is different topic. sources of agricultural water pollution, pollutant dispersion in groundwater. i have uh, made the detailed video. सो दैट नन ऑफ missed from the study so this is the hydrological cycle द uh, you need यू uh, to learn the little concept कॉन्सेप्ट uh, इसका uh, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपको नहीं पता होगा तो हम लॉसेस कैसे देखेंगे तो ये पूरी साइकिल जो स्टार्ट होती है सबसे पहला जो टर्म आता है जब हम देखते हैं कि ओसन्स हैं वाटर बॉडीज़ हैं वाटर बॉडीज़ से इवेपोरेशन होता है इवेपोरेशन होता है ड्यू टू द टेम्परेचर टेम्परेचर मोस्टली सन की वजह से राइज होता है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है कंडेंसेशन होता है फिर बारिश होती है जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं फिर यही बारिश का पानी सरफेस पे आता है जब सरफेस पे आता है और उसको ऐसी सरफेस मिलती है जहाँ पे वॉइड्स होते हैं तो वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है तो कुछ पार्ट इनफिल्ट्रेट हो जाता है कुछ पार्ट रन ऑफ बन जाता है और रन ऑफ बन के फिर ये दोबारा से स्ट्रीम में वापस चला जाता है तो ये साइकिल कंप्लीट होती है लेकिन अगर इस साइकिल में देखें तो हम दो तरीके के लॉसेस को देख रहे हैं बेसिकली जब हम लॉसेस की बात कर रहे हैं तो हम ये देखना है कि कौन सा रेनफॉल है जो रन ऑफ नहीं बन रहा है तो उसमें क्या है कि एवेपोरेटिड अगर हो गया पानी जो भी बारिश भी हुई बारिश होने के बाद जितना पानी इवापोरेट हो गया वो तो रन ऑफ बनेगा नहीं या जो वाटर इन्फिल्ट्रेट हो गया वो रन ऑफ नहीं बनेगा तो मोस्टली दो लॉसेस हम इस तरीके से देख रहे हैं और उसको कंसिडर कर रहे हैं तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट है एवेपोरेशन एवेपोरेशन सबको पता है हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं कि हीट की वजह से क्या होता है कि वाटर टेम्परेचर बढ़ता है वाटर टेम्परेचर बढ़ता है तो जिसकी वजह से वेपर फॉर्म होते हैं वेपर फॉर्म होते हैं और उसके बाद एयर की हेल्प से ये राइज करते हैं और उसके बाद प्रेसिपटेशन होता है तो एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो पहला साइकिल वहीं से स्टार्ट होती है दूसरा प्रेसिपिटेशन जिसको हम बारिश कहते हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में हो सकती है इंटरसेप्शन जब भी जो बारिश होती है वो ज़मीन पर डायरेक्ट ना पहुंच के किसी बैरियर के थ्रू किसी बिल्डिंग में या मोस्टली किसी पेड़ पे ठहर जाती है तो उसको इंटरसेप्शन कहते हैं इनफिल्ट्रेशन क्या होता है ज़मीन के अंदर पानी के जाने का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम सरफेस टू सर्फ सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ नोन एज इनफिल्ट्रेशन फिर ट्रांसपिटे ट्रांसपिरेशन ट्रांसप्रेशन हम कहते हैं जब प्लांट के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है लाइक प्लांट क्या करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए पानी को यूज़ करते हैं उसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो लीव्स के थ्रू रिलीज कर देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपेरेशन कहते हैं लास्ट इज़ रन ऑफ रन ऑफ जो कि या तो सरफेस पे बहता हुआ पानी या सब सरफेस के थ्रू रिवर में जो भी पानी रीच करता है आफ्टर रेनफॉल उसको रन ऑफ कहते हैं तो इवापोरेशन को हमको जनरल पहले ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना वाटर का उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं जिसमें क्या होता है लिक्विड एक गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है मोस्टली सन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए बारिश को हम जानते ही हैं कि लिक्विड या फ्रोजन uh, फॉर्म में जैसे स्नोफॉल हो गया वो भी प्रेसिपिटेशन का ही एक फॉर्म है तो जितने भी फॉलिंग uh, मॉइस्चर के फॉर्म है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं इंटरसेप्शन जैसे मैंने बताया कि जो रेनफॉल है डायरेक्टली सरफेस पे नहीं जा रहा है किसी बैरियर के थ्रू या प्लांट की कैनोपी है यहाँ कोई बिल्डिंग है तो उसको इंटरसेप्शन कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम जानते हैं कि जमीन के अंदर वाटर का मूवमेंट जो होता है उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं ट्रांसपीरेशन प्लांट के थ्रू मैंने बताई दिया रन ऑफ वी ऑल नो दिस इज़ अ वाटर बजट एक थोड़ा सा मेरा वीडियो डिटेल्ड है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें पता रहे आपके पास इनफ कंटेंट रहे लिखने के लिए नहीं तो एकदम टू द पॉइंट विद द टॉपिक मैं बताऊंगी तो कहीं ना कहीं आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी वाटर बजट इक्वेशन वाटर बजट जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि कितना पैसा आपको मिला कितना खर्च हुआ कितना बचा ये सारी चीज़ें चेक करते हैं उसी तरीके से जो पूरे अर्थ पे पानी कितना आया आया इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हैं कि बारिश के फॉर्म में आया फिर कितना जो है इवेपोरेट हो गया या कितना चला गया जहाँ जहाँ से भी मतलब जो भी सोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं उसके थ्रू और कितना बचा उसी को वाटर बजट इक्वेशन कहते हैं तो इनफ्लो वाटर इनकमिंग वाटर कह सकते हैं इसको माइनस आउटफ्लो वाटर आउट गोइंग वाटर कह सकते हैं इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज वॉल्यूम तो इसका मतलब क्या है कि जितना पानी आया और जितना पानी गया उसको माइनस कर दे उतना ही बचा यानी उतना ही स्टोरेज में चेंज हुआ तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं मास के फॉर्म में और वॉल्यूम के फॉर्म में अब इनफ्लो आउटफ्लो हमें किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए चेक करना है जैसे आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है तो डायग्राम में ही आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हुई किसी सरफेस पे तो उसको हमने प्लस में लिया क्योंकि बारिश आई इनकमिंग हुई इवेपोरेशन इवेपोरेशन तो गया फिर इस तरीके से तो आउटफ्लो हुआ ये रन ऑफ क्या हुआ वो भी आउटफ्लो हुआ तो जो जो चीज़ें आउटफ्लो के फॉर्म में हुई जैसे ग्राउंड वाटर फ्लो को भी हमने ले लिया ट्रांसपेरेशन भी हो गया ये भी आउटफ्लो हुआ इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज तो किस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप निकाल रहे हैं वाटर बजट इक्वेशन उसमें जो जो इनकमिंग फैक्टर हैं आपको वो देखने हैं कौन कौन से आउटगोइंग फैक्टर हैं आपको ये देखने हैं और उसके बाद दोनों को माइनस करके वाटर बजट इक्वेशन निकाल देनी है ये पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया है कैचमेंट एरिया क्या होता है एक ऐसा एरिया जिसमें से हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं और सारे उस एरिया का रेनफॉल उस पॉइंट पे आना चाहिए तो हम एक एरिया स्पेसिफिकली डिवाइड कर लेते हैं तो उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं या ये भी कह सकते हैं कि जैसे बारिश आ रही है तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो बारिश आ रही है उसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं जैसे मान लो आपका छत है तो छत पे जितनी भी बारिश आएगी वो पूरे छत के एरिया में आएगी और वो किसी एक आउटलेट से यानी छत में जो भी आपने पाइप निकाली होगी ड्रेनेज के लिए वहाँ पे मूव करेगा तो उसका जो पूरे कैचमेंट एरिया हम बोलेंगे तो वो क्या है वो छत है किसी पर्टिकुलर बारिश के लिए दूसरे छत पे जो बारिश आई उससे हमें लेना देना नहीं है हमने जिस एरिया को सेलेक्ट किया है उसका पानी कहाँ से कहाँ तक पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो आउटलेट में आ रहा है उसको हम चेक करते हैं वही कैचमेंट एरिया होता है वर्ड वाटर बैलेंस है इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ तो दोबारा नहीं बताऊँगी कि सरफेस uh, पे कैसे कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है किस किस फॉर्म में है कितना परसेंटेज में है पहले भी बताया जा चुका है एबस्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन बारिश में कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसके बारे में है इवेपोरेशन होता है इंटरसेप्शन होता है इवेपोरेशन तो सब जानते ही हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया इंटरसेप्शन भी डिस्कस किया इनफिल्ट्रेशन इवेपो ट्रांसपरेशन टर्म हमने डिस्कस नहीं किया है एक्चुअली जब हम किसी पर्टिकुलर खेत वाले जो एरिया होता है उसकी बात करते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं एग्रीकल्चरल एरिया है अब वहाँ पे हम किसी सरफेस को अलग देखें प्लांट को अलग देखें तो ये चीज़ हम नहीं करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे प्लांट भी है सॉइल भी है तो उसका मिक्स फॉर्म हमने बना लिया इवेपो ट्रांसपरेशन विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन उसके बाद आता है डिप्रेशन स्टोरेज तो जो भी पानी किसी गड्ढे वगैरह जो भी सरफेस पे है उसमें जो रिटेन रह जाता है वो डिप्रेशन स्टोरेज होता है इवेपोरेशन क्या क्या होता है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं अब हमको ये देखना है फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं तो इन जनरल बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं आप खुद ही समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे पहला टॉपिक है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा विंड की बात करें तो विंड में एक टाइम तक तो इवेपोरेशन बढ़ाएगी विंड क्योंकि क्या हो रहा है इवेपोरेटेड हुई वेपर बनी अब वेपर सरफेस पे है हवा आई हवा ने वेपर को उड़ा दिया अब नई वेपर बनने के चांसेस बन गए तो ये तो ठीक है तो आप ऐसे इमेजिन भी कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि इवेपोरेशन इस तरीके से बढ़ेगा लेकिन मान लीजिए कि बहुत तेज हवा चल रही है तो एक पॉइंट बाय सेचुरेशन के पॉइंट के बाद एक बार देखा जाता है कि बहुत तेज हवा चल रही है तो पता चला वेपर ही नहीं बन पा रही तो इसके लिए दो तरह की चीज़ है कि क्रिटिकल स्पीड एक बनाई गई है कि क्रिटिकल स्पीड से पहले तो ठीक है लेकिन क्रिटिकल स्पीड के बाद फिर अपोजिट रिलेशन हो जाता है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी, भी हम बात करेंगे तो एटमोसफेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन कम हुआ ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जब हम प्रेशराइज वे में जब खाना बनाते हैं तो उबाल कम होता है आ, एक तरीके से मतलब इवेपोरेशन जो आ, वेपर बन कम बनती है लेकिन वही आप अगर ओपन रखते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उबलता है तो प्रेशर की वजह से ना जो कंप्रेशन हो जाता है जिस वजह से उबाल नहीं आ पाता उतना तो प्रेशर अपोजिट रिलेटेड है उसके बाद क्वालिटी ऑफ वाटर तो वाटर क्वालिटी तो डिपेंड ही करती है साफ पानी है तो आप समझ सकते हैं कि साफ पानी में इवापोरेशन ज़्यादा होगा कि गंदा पानी है एकदम उसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो साफ पानी में इवापोरेशन ज़्यादा होता है और गलत गंदे पानी में सॉल्ट वाटर में टर्बिड वाटर में कम होता है साइज़ ऑफ वाटर बॉडी पे भी डिपेंड करता है वाटर बॉडी की डेप्थ कम है एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा डेप्थ ज़्यादा है एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा क्योंकि फिर जो बॉटम का जो टेम्परेचर है टॉप का टेम्परेचर है उसका डिफरेंस भी मैटर करता है मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है लेकिन कंटेंट होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन जब मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन में हम देखते हैं कि इवेपोरेशन को कैसे कैसे मेजर कर देते हैं बहुत ज्यादा डिटेल आपके लिए जानना जरूरी नहीं है बट आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मेज़र कैसे किया जाता है बस इतना तो मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक तरीके से पैन स्ट्रक्चर होता है अब थोड़ा सा एक आइडियल पैन बनाया गया है ताकि लॉसेस वगैरह कम हो सके तो उसकी साइज़ वगैरह होती है लेकिन ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेज़र किससे करते हैं तो पैन या इवापोरी मीटर कहते हैं इसको हम मेज़र करते हैं जिसमें एक पैन में पानी रख दिया जाता है और थोड़े टाइम बाद कितना वाटर लॉस हुआ यानी कितना लेवल डाउन गया पानी का उसको चेक कर लेते हैं तो हमको किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए मिल जाता है कि कितना इवेपोरेशन हुआ इसी तरीके से बहुत सारे स्टैंडर्ड पैन बनाए गए हैं सबका साइज है और सबकी अपने रिलेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इसमें हमको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है तो बस आपको बस पता होना चाहिए कि इस तरीके के पैन होते हैं और अलग अलग उसके साइज़ डायमेंशन होते हैं अलग अलग पर्पज़ होता है इसी तरीके से इवेपोरेशन को मेज़र करने के लिए एक तो हम पैन के थ्रू मेज़र कर सकते हैं लाइक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कर सकते हैं दूसरा एनालिटिकल मेथड हम इक्वेशन का यूज़ करके कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर बजट मेथड हो गया उसी में देख लिया कि इनपुट और आउटपुट हमें पता है उसमें से कोई एक टर्म मान लीजिए इवेपोरेशन ही मिसिंग है तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया बाकी डेटा हमारे पास होना चाहिए उसी तरीके से एनर्जी बजट की बात करें इनकमिंग एनर्जी एंड आउट गोइंग एनर्जी अगर हमें सारी एनर्जी पता है तो इवापोरेशन में आ, कितना एनर्जी लग रहा है वो हम देख सकते हैं नेक्स्ट इज़ इवापो ट्रांसपीरेशन तो हमने आपको बताया कि जब इवापोरेशन ट्रांसपीरेशन को मिक्स कर देंगे तो इवापो ट्रांसपीरेशन बन जाएगा जो कि हम मोस्टली क्रॉप एरिया के लिए यूज़ करते हैं तो क्रॉप भी होते हैं अगल बगल में सॉइल भी होती है तो दोनों चीज़ को कम्बाइंड फॉर्म में वैपोट्रांसपेरेशन कहते हैं इतना पता होना चाहिए बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है फील्ड कैपेसिटी फ़ील्ड कैपेसिटी क्या होती है मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मतलब कि जैसे हम पानी डालते हैं किसी पौधे में तो उस पौधे में जो मिट्टी है ये मिट्टी कितना मॉइस्चर होल्ड कर पाएगी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम उसकी फील्ड कैपेसिटी कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऐसा है कि मान लीजिए मिट्टी में पानी तो है पर इतना कम है इतना कम है कि प्लांट उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे तो उसको हम बोलते हैं कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है यानी पानी बहुत कम हो चुका है कि अब प्लांट उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे अवेलेबल मॉइस्चर की बात करें तो दोनों के बीच का जो मॉइस्चर है मैक्सिमम कितना है जैसे आप खुद ही समझ लो कि गमले में आपने पूरा पानी भर दिया यानी पूरा सेचूरेट कर दिया तो वो क्या हो गया फील्ड कैपेसिटी क्योंकि इतना ही मैक्सिमम पानी वो स्टोर कर सकता है मतलब सॉइल और अब जब जैसे पूरा गमला आपका सूख गया जब मतलब पानी पूरा इवेपोरेट हो गया और या प्लांट यूज़ कर लिए पूरा पानी जितना एकदम मिनिमम पानी बचा अब आपको वो दिख भी नहीं रहा है ऊपर से कि पानी बचा है तो वो हो गया विल्टिंग पॉइंट और इसके बीच का जो वाटर होता है उसको हम अवेलेबल मॉइस्चर कहते हैं कंजम्पटिव यूज कंजम्पटिव यू एक तरीके से एवेपोट्रांसपेरेशन ही है बस इसमें क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जितना यूज़ होता है उसको भी कंबाइन करते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सैचुरेशन की स्टेट क्या है पानी जब ज़रूरत से ज़्यादा है तब हम कहते तो हैं सैचुरेशन ज़्यादा भर दिया एकदम ऊपर तक भर दिया टॉप तक अब पानी एक्स्ट्रा हो गया तो सेचुरेशन की स्टेट है सारे वॉइड्स फिल विद वाटर हैं तो फील्ड कैपेसिटी की स्टेट है बहुत हल्का फुल्का पानी है तो वेल्टिंग पॉइंट है इंटरसेप्शन को हमको डिटेल में पढ़ना नहीं है इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे इस पर एक परकुलेशन वाला टर्म है वो हमको पता होना चाहिए एक्चुअल में इनफिल्ट्रेशन क्या होता है टॉप सरफेस से ग्राउंड की और सब सरफेस में जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं लेकिन जब वही वाटर जब हम कहते हैं एकदम डीप ग्राउंड वाटर तक पहुँच रहा है तो वो परकुलेशन के थ्रू पहुँचता है वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं पहुँचता है हो सकता है कि बीच में आपने इनफिल्ट्रेशन तो करा दिया पर बीच में कुछ बैरियर हुआ जिस वजह से ग्राउंड तक नहीं पहुंचा या ग्रेविटी के थ्रू ग्राउंड तक नहीं पहुंचा ग्राउंड अंडर ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचा तो उसको प्रोसेस को वही बीच में रुक जाएगा मतलब परकुलेशन नहीं होगा लाइजी मीटर्स हैं वेपो ट्रांसपीरेशन यूज मेजर करने के लिए नेक्स्ट इज इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस तो हमें पता ही है कि जब सब सरफेस से सरफेस टू सब सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर यानी टॉप से लेके जमीन के थोड़ा अंदर तक पानी जो जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं इन्फिल्ट्रेशनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की बात करें मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम किस रेट से पानी जाने वाला है उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अब जैसे पानी जाने का एक तरीका होता है कि आ, जैसे कि आप किसी सरफेस पर पानी उड़ेल देते हैं तो धीमे 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 मूव कर रहा है कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो सॉइल पे डिपेंड करता है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है उसकी तो जब पहला पॉइंट है कि रेनफॉल यानी बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बारिश जो हो रही है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम हो रही है यानी कि पानी ज़्यादा तेज है ठीक है इनफिल्ट्रेशन कम है तो एक्चुअल में इन्फ़िल्ट्रेशन क्या होगा वही इन्फिल्ट्रेशन रेट के बराबर होगा ठीक है पानी चाहे ऊपर से जितना भी तेज़ आए हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उतना ही तो इन्फिल्ट्रेट करा पाएंगे तो वो तो पहली कंडीशन हो गई दूसरी कंडीशन हो गई कि पानी बहुत धीमे आ रहा है पानी इतना धीमे आ रहा है अब ठीक है भले ही आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन पानी तो बहुत धीमे आ रहा है तब आप किस रेट से कराओगे तब आप वही पानी जिस रेट से आ रहा है उस रेट से कराओगे मतलब उस रेट से होगा इन्फिल्ट्रेशन तो ये चीज़ है इन्फिल्ट्रेशन रेट वही है कि किस रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है आ, कुछ सॉइल है बहुत तेज़ी से पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है कुछ सॉइल होती है कि आ, बस रखा हुआ है पानी फिर पता चला एक घंटे बाद आए तो पानी थोड़ा सा कम हुआ फिर दो घंटे बाद आए तो फिर पता चला कि पानी थोड़ा सा कम हुआ तो इस तरीके से रेट हम देख सकते हैं इनफिल्ट्रोमीटर यूज़ होता है मेज़र करने के लिए और जब रेनफॉल इंटेंसिटी यानी बारिश बहुत तेज़ है इनफिल्ट्रेशन बहुत स्लो है तभी तो रन ऑफ बनेगा क्योंकि तब तो इन्फिल्ट्रेट पानी हो नहीं पा रहा तो रन ऑफ बन जाएगा अब जितनी बारिश होगी उतना पूरा इन्फिल्ट्रेशन हो गया तब तो रन ऑफ नहीं बनेगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड है इनफिल्ट्रेशन क्योंकि जो कि आपका जो सॉयल uh, के जो वॉइड्स होते हैं जो गैप्स होते हैं उन्हीं के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन होता है अगर ये गैप्स कनेक्टेड नहीं है और वाटर उनसे पास नहीं हो पा रहा है तो uh, क्या होगा इन्फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या है अब कुछ लोग ये पूछेंगे इट इज़ एबिलिटी टू एबिलिटी ऑफ अ फ्लूड टू फ्लो थ्रू द पोरस मीडियम अब ये की एबिलिटी है कि वो किसी पोरस मीडियम से यानी कि वॉइड वाले एरिया से कैसे फ्लो कर सकता है ये उसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहते हैं अब जैसे मान लो कि कोई गंदा पानी या गाढ़ा पानी है एक तरीके से समझ लो वो बहुत धीमे धीमे फ़्लो करेगा वाटर है तो जल्दी जल्दी फ़्लो करेगा तो फ्लूइड की एबिलिटी है जब पोरस मीडियम में वो आ जाता है तो कैसे कैसे फ्लो करता है उसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहते हैं और ये डिपेंड करता है सॉइल किस टाइप की है जैसे सैंडी है तो उसमें जल्दी से हो जाएगा क्ले सॉइल है तो उसमें तो मुश्किल है फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी या इनफिल्ट्रेशन दोनों सेम चीज़ हैं स्लोप ज़्यादा होगा तो रन ऑफ ज़्यादा होगा इनफिल्ट्रेशन कम होगा ये खुद ही आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि पानी हमने डाला स्लोपी एरिया है पानी रुकने का मौका नहीं मिला तो इनफिल्ट्रेट कहाँ से होगा वो तो चला गया नीचे की तरफ तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन पहले से ही खेत में पानी भरा हुआ है ऊपर से और पानी डालेंगे तो इनफिल्ट्रेट होगा नहीं होगा तो पहले से ही कितना सेचूरेटेड है अनसेचूरेटेड है उस पर डिपेंड करता है पोरोसिटी यहाँ पे देख ही रहे हैं कि पहले में वॉइड ज़्यादा है पानी डालोगे खुद ही सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा दूसरे में वॉइड कम है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा या बहुत मिनिमम होगा पैकिंग ऑफ सॉइल ग्रेन्स अब किस तरीके से पैकिंग है स्पेस है कि नहीं है इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा कंपैक्शन बारिश हो चुकी है कंपैक्ट हो चुका है कम्पैक्ट में क्या होता है कि जो बीच की जो एयर होती है वो रिलीज़ हो जाती है मतलब बिल्कुल स्पेस नहीं बच जाता जब स्पेस नहीं बच पाएगा तो इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा सरफेस कवर कंडीशन तो सरफेस कवर कंडीशन एकदम ही कवर्ड कर दिया सरफेस तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और कई बार क्या होता है कि जैसे वेजिटेशन जो होते हैं पूरी तरीके से कवर नहीं है बट वेजिटेशन है तो पानी को रोकने का काम करते हैं तो उस केस में तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है लेकिन अगर पूरी तरीके से कैप्चर हो गया है तब मुश्किल होता है लैंड यूज़ अब आप देख ही रहे हैं बिल्डिंग बना दी हर तरफ इन्फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं इसी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है इसी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है हर तरफ सड़कें बन गई है, हर तरफ घर मकान बन गए हैं और कहीं भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का प्रोसेस ही नहीं बना है जबकि कुछ कुछ बिल्डिंग्स में ज़रूरी होता है रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर देना जो बड़े साइज़ की बिल्डिंग होती हैं लेकिन लोग इन जनरल देते नहीं हैं तो इसी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है विद अर्बनाइजेशन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी पे असर पड़ता है और विस्कोसिटी कम होती है तब इनफिल्ट्रेशन बढ़ता है अदर फैक्टर की बात करें क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रीजिंग खुद ही ये सब तो ऐसे पॉइंट है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि टर्बिड वाटर है यानी पानी में समझ लीजिए गंदगी मिली हुई है तो ब्लॉक कर देगी पोर्स को तो इनफिल्ट्रेशन कम होगा हाँ फ्रीजिंग होगा तो इन्फिल्ट्रेशन कम होगा मेज़रमेंट कैसे करते हैं इनफिल्ट्रोमीटर है, है रेनफॉल सिम्यूलेटर है ये पता होना चाहिए आपको इन्फिल्ट्रोमीटर में आपको बहुत ज़्यादा डायमेंशन याद करने की ज़रूरत नहीं ये डायग्राम आप देख लीजिए एक रिंग होती है इस रिंग में हम क्या करते हैं पानी भर देते हैं पहले तो इस रिंग को ज़मीन में गाड़ देते हैं अब सबका एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है स्पेसिफिक साइज़ बना देते हैं स्पेसिफिक कितना इंसर्ट करना है सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक बता देते हैं ताकि सबका यूनिफॉर्म रहे और हमको एक स्टैंडर्ड डेटा मिल सके तो इनफिल्ट्रोमीटर लगा देते हैं उसको ज़मीन के अंदर थोड़ा सा धंसा देते हैं इसमें भर देते हैं पानी दोनों साइड से ओपन होता है एक तरीके से समझ तो लीजिए कि हॉलो रिंग है उसको ज़मीन में गाड़ दिया आपने ऊपर से पानी भरा ऊपर से पानी भरा उसके बाद थोड़ी टाइम बाद चेक किया तो पानी थोड़ा सा कम हुआ फिर थोड़े टाइम बाद चेक किया पानी कम हुआ इस तरीके से आपने ग्राफ बना लिया और आपको ये पता चल गया कि पानी किस रेट से कम हो रहा है तो शुरुआत में बहुत तेज़ी से पानी कम होता है फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है इसी तरीके से सिंगल रिंग है सिंगल रिंग के कुछ डिसएडवांटेज थे ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था अर्थ को तो डबल रिंग बना दिया गया तो डबल रिंग का भी स्पेसिफिक डायमेंशन है इस डायमेंशन को आप देख सकते हैं पीडीएफ में और दो रिंग है इसमें इनर थर्टी सेंटीमीटर की है डायग्राम भी अगर आपने याद कर लिया तो एक्सप्लेन ख़ुद ही कर लोगे मतलब इसीलिए मैं ये फोकस करती हूँ कि लोग डायग्राम ज़्यादा अच्छे से याद कर लें डायग्राम याद करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखना होता है पढ़ना नहीं पड़ता तो थर्टी सेंटीमीटर की इनर रिंग है सिक्सटी सेंटीमीटर की आउटर रिंग है चेक जो हम करेंगे वो इनर रिंग में चेक करेंगे बाकी पानी दोनों में भरेंगे और उसके बाद आ, उसके बाद कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ कुछ टाइम बाद चेक कर लेंगे तो इस तरीके से दो इन्फिल्ट्रोमीटर हैं दोनों की डायमेंशन है देखिए फिफ्टी सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं टेन सेंटीमीटर ऊपर रहता है इसमें फिफ्टीन सेंटीमीटर है फिर दोनों के डायमेंशन सब दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं रेनफॉल सिम्यूलेटर है रेनफॉल सिम्यूलेटर में पर्टिकुलर एरिया ले लिया उसमें आर्टिफिशियल रेन करा दी उसमें बॉटम पे कंटेनर लगा दिया तो कितनी बारिश हुई देख लिया कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ देख लिया कितना ऑफ बना वो सारा चीज़ प्रैक्टिकली एक एरिया में देख लिया मतलब एक तरीके से मॉडल बना दिया मॉडल बनाने में पूरा जैसे रेनफॉल होती है पूरा सिस्टम वैसे तैयार कर दिया नीचे मिट्टी तैयार कर दी उस तरीके से हॉटेंस इक्वेशन है इस इक्वेशन का यूज होता है जब हम अब हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं जब हमको इन्फिल्ट्रेशन निकालना होता है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा ये उसके मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है तो एफ सी इज़ इक्वल टू एफ नॉट एफ नॉट इनिशियल एफ सी जो है कांस्टेंट होने के बाद और ई e की पावर माइनस के टी ये फार्मूला है फाइव इंडेक्स क्या होता है कि फाइव इंडेक्स से हम क्या करते हैं इन्फ़िल्ट्रेशन मेज़र करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन जब भी भी जैसे जितनी बारिश हुई उसका डेटा है हमारे पास ठीक है उसमें से फाइव इंडेक्स माइनस कर देंगे या फाइव इंडेक्स एक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन का ही रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर वाला जितना भी चीज़ होगा वो रन ऑफ होगा नेक्स्ट टॉपिक इस सीपेज आज सीपेज तक ही हम रखेंगे तो सीपेज में क्या है कि जब भी जो वाटर होता है वो आ, एक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन जैसा ही है कि लीक हो जाता है मान लीजिए कहीं पानी इकट्ठा है और कहीं उसको रास्ता मिला और वो क्या किया पानी लीक करके चला गया ज़मीन के अंदर या ज़मीन के उस पार तो उसको हम बोलते हैं सीपेज इसको नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाया स्मॉल होल्स और पोरस मटीरियल तो वही चीज़ है कि वॉइड्स होंगे पोरस मटीरियल होगा कनेक्टेड वॉइड्स होंगे तभी ऐसा होगा और जैसे आपके छत में भी कई बार होता है ना कि सीलन वगैरह आने लगती है तो पानी छत पे आया और पानी तो छत पे था लेकिन वो आपके क्योंकि कहीं ना कहीं क्रैक्स थे या कहीं ना कहीं वॉइड्स था तो पानी सील हो के अंदर आ गया तो उसी तरीके से और भी जगहों पे ऐसा होता है तो उसको हम सीपेज प्रोसेस कहते हैं एग्रीकल्चरल में सीपेज टर्म लॉस के लिए यूज़ होता है जैसे कि कैनाल है या नहर है नहर में पानी भरा हुआ है अब नहर से पानी कहीं ना कहीं लीक हो गया आ, दूसरे साइड चला गया जैसे भी इधर उधर मूव कर गया तो पानी जो हमको खेत में चाहिए था हमको उतना मिला नहीं क्योंकि लीक हो गया तो उसको हम सीपेज कहते हैं अब जैसे ये डायग्राम देखिए तो एक साइड नहर का पानी है लेफ्ट साइड राइट साइड आप देखेंगे ये लीकेज होकर राइट साइड पहुंच गया है जबकि राइट साइड उसका पाथ नहीं था थोड़ा सा पानी इधर आ गया अब इतना पानी लॉस हो गया सीपेज लॉस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है क्या होता है तो आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर वॉइड्स होंगे यानी सॉइल के बीच में गैप पार्टिकल के बीच में ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा किस टाइप की सॉइल है इस पे डिपेंड करेगा परमेबिलिटी वो भी पोर्स से ही रिलेटेड है तो वो भी चीज़ बल्क डेंसिटी कंपैक्शन है नहीं है इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा हाइड्रोलिक कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ कैनाल इस पर भी डिपेंड करता है किस वेलोसिटी से फ़्लो हो रहा है जैसे बहुत तेज़ पानी फ्लो होता है तो हम देख पाते हैं कि पानी को रिसने का या इनफिल्ट्रेट होने का मौका नहीं मिलता उसी तरीके से सीपेज भी नहीं हो पाता है जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है स्पीड स्लो होती है तो सीपेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसी तरीके से सरफेस रफनेस है स्लोप है और सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है तो आप समझ सकते हैं क्रैक्स पर डिपेंड करता है डैमेज पर डिपेंड करता है वेजिटेशन पर डिपेंड करता है कितना पुराना स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है किस मटेरियल से कैनाल बनी है मिट्टी की ही कैनाल है ईटे की कैनाल है आरसीसी की क्या की मतलब कंक्रीट की कैनाल है किस चीज़ की कैनाल है उस पर भी डिपेंड करता है कि सीपेज होगा कि नहीं होगा कितने अच्छे से बनाया गया है सीपेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सीपेज कंट्रोल अब आप अपने घर में बताइए कि आपके घर में रिसाव हो रहा है तो गलत स्ट्रक्चर बना है इस वजह से हुआ है तो स्ट्रक्चर को अब बाद में तो नहीं चेंज कर सकते ठीक नहीं कर सकते पर पहले हम क्या कर सकते हैं जैसे डीपीसी वगैरह लगा सकते हैं अपने घर की बात करें और यहाँ अगर हम बात करें खेतों में तो खेतों में पक्का कैनाल बना सकते हैं जिसके थ्रू सीपेज नहीं होगा कच्ची कैनाल रहेगी तो सीपेज होगा तो इम्परवियस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं मोस्टली कंक्रीट यूज़ होता है या एसवाल्ट फिल्म जैसे डामर का लेयर लगा दिया जैसे डी में हम ये करते हैं तो वो भी कर सकते हैं तो ये पर्टिकुलर कैनाल बनी हुई है तो उसमें आप देख सकते हैं उसके अलावा सीपेज में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि आजकल मतलब डिज़ाइन के जो भी क्राइटेरिया हैं वो चीज़ हम देख सकते हैं सीपेज हो ही रहा है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं जैसे हमने जब अर्थन डैम पढ़ा था तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब सीपेज होता है अर्थन डैम में तो हम टोड रेंज बनाते हैं और रिलीफ वेल बनाते हैं जिसमें हम सीपेज पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं फिल्टर्स वगैरह बना देते हैं जिससे कि जो स्ट्रक्चर है उसका लॉस ना हो सही तरीके से चला जाए वीप होल्स वग़ैरह बनाते हैं ताकि जो सीपेज वाटर है वो वहाँ से पास हो जाए हमको मतलब स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है इसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये मॉडर्न प्रैक्टिस में अपने हिसाब से ड्रेन बना ही दी जाती हैं तो जैसे ये है अर्थन डैम का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है अंदर की तरफ ट्रैंगल ट्रेपजॉयडल स्ट्रक्चर के अंदर तो ये सीपेज लाइन से हैं तो सीपेज लाइन को आपने एक वर्टिकल फिल्टर uh, वगैरह लगा दिया है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है कैनाल लाइनिंग लाइनिंग मैंने बता दिया कि पक्के मटेरियल से बनाना ऐसा मटेरियल जिसके आर पार पानी ना जा सके उसको कैनाल लाइनिंग कहते हैं अब ये कंटेमिनेशन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंटेमिनेशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आज के लिए इतना ही